स्टडी सोल में आपका स्वागत है दोस्तों। और एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है पहले कि 15 जून को जो क्विज कंपटीशन, लाइव क्विज कंपटीशन होने वाला था, उसका टाइम आ गया है। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में वो क्विज कंपटीशन होगा। तो जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि कोई एंट्री फ़ी नहीं है और आप जीत सकते हैं 500 रुपये। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली न्यूज़ ऑनलाइन एंड करेंट अफेयर से, एंड देन फिर कुछ हम लोग डेली क्वेश्चन जो हर रोज़ करते हैं वही करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर्स वन लाइनर की तरफ। प्रचंड चक्रवात तूफानी वायु जो कि अरब सागर में हम लोग सुन रहे हैं वो आने वाला है। आईएमडी ने ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा दे दिया है। दूसरा ये करंट अफेयर का वन लाइनर कि सरकार ने ESI अनुसंधान की दर 6.5% घटाकर 4% कर दी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ESI है क्या आखिर। तो कर्मचारी राज्य बीमा कानून है, 1948 में ये आया हुआ है। इसके अंदर हर एक जो भी एम्प्लॉई है उसको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि कंट्रीब्यूशन करने के रिज़ल्ट मतलब अपोजिट में उनको क्या मिलता है। तो चिकित्सा में कुछ उनको छूट मिलता है, नकद मतलब कैश मिल सकता है, मातृत्व या फिर निःशक्तता और आश्रित होने के लाभ प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ है कि ब्लैक होल को अभी तक ब्लैक होल माना जा रहा था कि एक छिद्र होगा, बट ऐसा नहीं है। अभी नया खोज किया गया है जो कि एक बहुत ही टेलीस्कोप, जो कि बहुत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेलीस्कोप था, उससे पता किया गया है कि वो कोई छिद्र नहीं है बल्कि उल्का पिंड है, जिसके कारण वहाँ से कोई भी लाइट तक वहाँ से पास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अभी का करंट अफेयर में ये है वन लाइनर में कि CVC हम लोग के चेंज हो चुके हैं। सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शरद कुमार को अंतिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, एंड ये अभी इंटरिम में होंगे जो कि फिर चेंज हो सकते हैं। तो शरद कुमार अभी के CVC होंगे और वो KV चौधरी को रिप्लेस करने वाले हैं। ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का रिपोर्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा कि IMD इंटरनेशनल मॉनिटरी डिपार्टमेंट करके जो इंग्लैंड की है, उसने वो रिलीज़ करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड करेगा IMD, एंड अगर ग्लोबल होगा तो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि निम्न में से नोवा ICIC चैम्पियंस ट्रॉफी 2021 में कहाँ आयोजित होने वाला है। तो इसका आंसर है भारत, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, चैम्पियंस ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाम से स्पेस वॉर से निपटने हेतु एजेंसी बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो DSRO, MPRO, KWMO या OSMWP। तो इसका आंसर है DSRO, ओके, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्यों बनाया गया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पेस है उसका बहुत ही ज़्यादा वेपनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे आर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, कोई लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, एंड बहुत का तो पता भी नहीं है, जैसे कि अमेरिका हो गए या चाइना हो गए, रशिया हो गए, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इंडिया भी एक प्रीएम्प्टिव मेज़र लेना चाह रहा है कि औरों से पहले इंडिया भी चाह रहा है कि वो भी कुछ अच्छा करे स्पेस में, अपना प्रोटेक्शन बढ़ाए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड पावर बनने का सपना देखता है एंड उसको उसी टाइप से कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो इसी के लिए डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया है, जो कि डिफेंस स्पेस एजेंसी को हेल्प करेगा रिसर्च में कि वो टेक्नोलॉजी कैसे बनाया जाए जो न्यू इन्वेंशंस को ध्यान में रख करके हों, जो नए प्रॉब्लम्स हैं, जो नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी अब आ गया है।
जो कि घर कहीं एक जगह से ही थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक वार किया जा सकता है बस एक लेज़र बीम से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस टाइप के टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार करने का काम दिया गया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, एंड वो डिफेंस स्पेस एजेंसी के अंडर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चीन ने भारत के लिए अपना नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं नए एम्बेसडर का, ये है नए एम्बेसडर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सुन वई दो, लुओ जाऊहियो, ओरोन या केविन डुरोन। तो इसका आंसर है नंबर वन, सुन वई दोंगे। सुन वई दोंगे को नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया भारत का। इससे पहले ये पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, तो इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में। हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि 62 बिलियन डॉलर का इंडिया चाइना में ट्रेड होता है, एंड इंडिया का जिसमें डेफिसिट है मोर देन 40 बिलियन डॉलर, मतलब 35 to 40 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स इंडिया ज़्यादा सामान खरीदता है चाइना से एक्सपोर्ट करने की अपेक्षा, मतलब ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा का नेता किसे नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत, राम माधव अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी खुद? तो इसका आंसर है थावरचंद गहलोत। तो राज्यसभा, लोकसभा हम लोग को पता ही है पार्लियामेंट के तीन विंग हैं, पहले राज्यसभा हो गए, फिर लोकसभा हो गया, एंड फिर आपका है प्रेसिडेंट है। तो ये राज्यसभा का कोई एक हेड होगा, मीन्स जो चेयरमैन होगा, मतलब नेता होगा, जो पार्टी रूलिंग है उसका होगा, एक अपोजिशन पार्टी का नेता होगा, लोकसभा में भी सेम होगा। तो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के नेता हैं, एंड राज्यसभा में थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एंसेफलाइटिस अथवा दिमागी बुखार से बच्चों की मौत हुई है? तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही बड़ा न्यूज़ बनते जा रहा है कि बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं बिहार में, एंड उसका रीज़न अभी तक कोई प्रूफ नहीं हो पाया। बट जैसे कि नीतीश कुमार ने इंटरव्यू में कहा था, खुद जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार जी, तो उनका कहना था कि बच्चे लोग जब लीची खा लेते हैं एंड फिर रात को कुछ खाना नहीं खा पाते हैं वो लोग, एंड तब उनको ऐसे बीमारी हो जाता है जो हाई फीवर होता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी हो रहा है जो कि अभी तक 50 बच्चों को डेथ हो गया है। तो अभी गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस है इसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो इसमें विराट कोहली का भी आप रैंक बताइए मुझे, कमेंट कर दीजिए आप लोग विराट कोहली का कितना रैंक है अगर आपको पता है तो, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तो लियोन मेसी है इसका आंसर, एंड विराट कोहली 100th रैंक है। एंड इंडिया के एकमात्र ऐसे वो प्लेयर हैं या फिर खिलाड़ी हैं जो फोर्ब्स के लिस्ट 100 में आए हैं। उनका अप्रॉक्स डॉलर 30 बिलियन के अप्रॉक्स रेवेन्यू है, और लियोन मेसी का डॉलर 130 बिलियन के अप्रॉक्स है, मिलियन के अप्रॉक्स है दोनों का कमाई। ये लियोन मेसी का आप पिक्चर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।